नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई और मैं हूं आपकी दोस्त खुशबू। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपके घर में कोई त्योहार, शादी या पूजा का समय होता है तो इसकी शुभ शुरुआत व्यक्ति को तिलक लगाकर की जाती है। पूजा के दौरान व्यक्ति को तिलक लगाया जाता है क्योंकि तिलक लगाना शुभ माना जाता है। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि तिलक लगाने के बाद व्यक्ति के माथे पर चावल क्यों लगाए जाते हैं? संभव है कि कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल ना आया हो, लेकिन आज हम इस बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। अगर वैज्ञानिक दृष्टि की बात करें तो माथे पर तिलक लगाने से दिमाग में शांति और शीतलता बनी रहती है। इसके अलावा चावल को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। कच्चे चावल व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। यही वजह है कि पूजा के दौरान न केवल माथे पर तिलक लगाया जाता है बल्कि पूजा की विधि संपन्न करने के लिए भी चावलों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर शास्त्रों की बात करें तो चावल को हवन में देवी देवताओं को चढ़ाने वाला शुद्ध अन्न माना जाता है। एक और मान्यता के अनुसार चावल का एक अन्य नाम अक्षत भी है। तभी तो हम हर खास मौके पर चावल जरूर बनाते हैं। यहाँ तक कि माँ लक्ष्मी को बनने वाले भोग में भी चावल की खीर बनाई जाती है। पूजा में तिलक और पुष्प के साथ कुछ मिष्ठान और चावल जरूर होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पूजा की विधि बिना चावलों के पूरी नहीं होती। चावल लगाने का उद्देश्य यही होता है कि नकारात्मक ऊर्जा वास्तव में सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो सके, और ये तिलक लगाने वाले का अपने प्रियजन के प्रति प्यार और आशीर्वाद भी होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।